आगे भाई वर्कशॉप पे जहाँ पे हमने बनवाई थी, ये रोशन क्या करके दिखाएगा ये नहीं पता भाई, ये जो कितना गैप है, ये तो बनवाया था ना, ये देख कितना ज्यादा कमर में दर्द कर दिया इसने, तो तीन चार महीने हो गए बने हुए। खुलवा देता हूँ, खुलवा के करवाओगे क्या ये तो बताओ, मैं मिस्त्री को दिखा देता हूँ, मिस्त्री को बुलाओ यार, बहुत परेशान कर दी उसने। गुड मॉर्निंग गाइज, भाई कल वाली वीडियो पे ना बहुत सारे कमेंट आए हैं, उसका रिप्लाई देंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में, आज एक जरूरी काम है। अभी भाई सुबह का टाइम हुआ 8:13, तो अभी आपसे मिलते हैं दोपहर में, और आज भी एक जरूरी काम है वो करने चलेंगे, तभी वो सारी डिस्कस करेंगे, तो अभी चलते हैं जी। भाई आज आए हैं इस पे, भाई इसका हेडलाइट का कुछ रह गया था, बहुत महीने काफी महीनों से पेंडिंग चल रहा था इसका दोनों का, और यहाँ शॉप पे भाई गुड़गांव में ही है, दिल्ली में बहुत दूर नहीं, इसका रैप कराएंगे भाई, कुछ ना कुछ क्या होता है कैसा क्या हो पाता है अभी। हाँ बहुत अच्छी बात है, अभी डिस्कशन चल रहा है, अभी देखते हैं क्या होगा, अभी बताते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको, फिल्म बोलते हैं रैप बोलते हैं? लेमिनेशन स्मोक। अच्छा जी, तो चल रहा है भाई, उस तरफ का हो चुका है, पर अभी यहाँ थोड़ा सा वो पेस्ट हो रहा है अच्छी तरह, और इस तरफ का होने वाला है थोड़ी देर में, दिखाते पूरा फाइनल हो जाएगा। इसके बारे में और सोच रहा हूँ इसका क्या किया जाए, इस चीज से क्या होगा, जो आप पट्टी सी क्या लगा रहे हो, बॉर्डर है, बोल रहे उतरेगी नहीं। अच्छा जल्दी से नहीं उतरेगी, वॉशिंग वॉशिंग होगी तो भाई ये लगा रहे पूरा चारों तरफ, इससे यहाँ से शायद नजर आ तो रही है, थोड़ा डार्क ब्लैक है, ब्लैक में और ज्यादा ब्लैक, और ब्लैक कितना ब्लैक कराओगे भाई, क्या करके मानोगे हैं, सॉरी ब्लैक मतलब कहीं शीशे उसे सब ये भी, पर उसका चलान है ना, वहां कर नहीं सकते, थोड़ा बहुत तो करवा रखा भाई, मैं आपने पुरानी वीडियो देखी है तो सारी ग्लासेस पे ना विंडो जो है सब पे करा रखा भाई कुछ ना कुछ। भाई काम हो गया कंप्लीट, मुझे तो भाई बड़ी अच्छी लग रही है हेडलाइट तो, स्पेशली लगा 1 आवर के करीब करीब, ये भाई राइट वाली, ये लेफ्ट वाली, और थोड़ा दूर से हाँ ये दिखाता हूँ भाई, करा तो लिया मैंने गोल्डन, अब आप भी कमेंट करके बताना अच्छा लग रहा है बेकार लग रहा है, जो जैसा भी लग रहा है भाई, मैं जस्ट ट्रायल के लिए कराया है, अच्छा लगेगा तो और जगह भी करा लेंगे, बैक साइड भी नहीं कराया अभी, अभी भाई बस फ्रंट पे यहाँ यहाँ पे कराया। भाई बाकी आप आज जाना था दो जगह, एक तो भाई इसका म्यूजिक का ना, वहाँ पे जो करोल बाग के पे करा के आए वहाँ पे, उस पे क्या था ऑटो मैजिक कार डेकोर पे काम तो बहुत अच्छा किया उन्होंने भाई, रात के 12 बजे तक लगे रहे थे, बहुत मेहनत की भाई लड़कों ने, पर एक कमी छोड़ दी जो कि हमें बाद में पता लगी, ये सू सू ऐसी कुछ आवाज आ रही, मतलब साउंड आ रहा है किसी चीज का, अर्थिंग टाइप का होता है ना, हमारा भाई एक्सपीरियंस तो ये कहता है, पहले हम गाड़ियों में कराया करते थे, जब अर्थिंग की कोई वायर लगाना भूल गए, वो बहुत तेज साउंड आ रहा है, सू 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 ऐसे करके बहुत तेज भाई, तो उसका सोल्यूशन अब हम सोच रहे थे आज करोल बाग जाएं, पर भाई उसके लिए एक छोटे से काम के लिए क्यों जाना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, शोर आ रहा है तो आने दो भाई, क्यों जाएंगे आएंगे, अब 6 बजे के करीब करीब का टाइम हो चुका है, पूरा ट्रैफिक जाम मिलेगा भाई आज वहाँ पे बॉर्डर पे, तो वहाँ नहीं जा रहे, देख लेंगे गुड़गांव में कोई कर देगा तो ठीक है, कोई कर देगा गुड़गांव में अपने वाले पे करा लेते हैं, सेक्टर 14 ट्राई कर लेते हैं भाई, उस तरफ चलते हैं, अगर वो छोटा मोटा कुछ काम कर सकते हैं अगर उनके समझ में आएंगे तो करा लेंगे, हाँ थोड़ी सी बार वो इरीटेशन से जरूर हो रही है उससे ना, धीमे धीमे सा साउंड चलता ही जा रहा है, अगर म्यूजिक हमने बंद भी कर दिया ना बिल्कुल वॉल्यूम डाउन, फिर भी आ रही है वो आवाज, वो अर्थ की है क्योंकि अर्थिंग की है वो वाली, तो चलो कोई बात नहीं, और एक दो काम और कराने आज गाड़ी का, आज ये है कि शाम के टाइम पे चलो भाई आज और कोई काम नहीं था ऑफिस का इधर उधर का, तो भाई गाड़ी का काम करा लिया जाए, काफी दिनों से मैं काम सोच रहा था, आज काम तो और कुछ था मुझे कि जाना था बहुत इसके सीट, अब चलते हैं सीट के लिए, क्या कहता है भाई वो जो मैंने कल की वीडियो आपको दिखाई थी ना, जो कमर तोड़ सीट बनी हुई है ये उसका सोल्यूशन करना है, जल्दी से जल्दी पे करा लेते हैं, क्या पता कब निकलना पड़ जाए भाई इधर उधर, अभी 2-3 ट्रिप चल रहे हैं प्लान में, कि अब नवरात्रि आने वाले, सबसे बड़ी बात तो ये है अगर हम कहीं निकलते भी आज कल में तो फिर नवरात्रि से पहले पहले आना भी है, आज है वेनसडे और संडे से नवरात्रि है, तो अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है, देखते हैं। बाकी कैसी लगी ये अपनी जो हमने लगवाई लेमिनेशन? बिल्कुल बढ़िया हमें बढ़िया लगी, बाकी आप लोग बताएंगे तो पता लग जाएगा, नहीं तो चेंज करा देंगे भाई, कोई परमानेंट थोड़ी है, परमानेंट भी होते तो भी चेंज करा देते हैं ना, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो अच्छी लग रही है तो भाई दीपक जी कह रहे हैं अच्छी लग रही है, और भाई पीछे बेड बना रहा हुआ है वही जो कल से ना डिस्कशन चल रहा है उसका, बेड का क्या किया जाए, ये तो जगह और भी दिखाया था अपने आसपास भी, पर चलते हैं वहां जहां पे बनवाया था हमने, आगे भाई वर्कशॉप पे जहां पे हमने बनवाई थी, ये रोशन क्या करके दिखाएगा ये नहीं पता भाई, ये जो कितना गैप है, ये तो बनवाया था ना, ये देख कितना ज्यादा कमर में दर्द कर दिया इसने, तो तीन चार महीने हो गए बने हुए, खुलवा देता हूँ, खुलवा के करवाओगे क्या ये तो बताओ, मैं मिस्त्री को दिखा देता हूँ, मिस्त्री को बुलाओ यार, बहुत परेशान कर दी उसने,
क्या करके दिखा दिया तूने? क्या हो गया? हुआ तो तभी का ही है, अब तो कुछ ठीक करना है। अब ये जो गैप रह गया था, क्यों रह गया था ये गैप? इतना ज्यादा मेजरमेंट में वो हो गया तो अभी तो उठना भी तो चाहिए था ऐसे। ये वो उठ रहा है, वो तो पूरा उठने के बाद भी समस्या। इसको पूरा लेटा दो, इसका क्या करोगे? वो देखो ना, जो ये भी हो जाए और वो भी हो जाए, वो देखो पूरा है। ये तो फोम है ना, फोम दब जाएगी। तो पूरा लेटाने के बाद फोम तो फालतू निकालते या कुछ तो ऐसा करते। तो फोम वाले को बोलना चाहिए फोम। हाँ, हम क्या जानने फोम वाला, हम तो आपको जानते भाई, ये कौन सी बात है फोम वाला? आप ये कहोगे अलग ही है, रेक्जिन वाला अलग है, वेल्डिंग वाला अलग है। हम जानते हैं आपको, हम कर देंगे आपको जेल में बंद। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाए जेल में बंद, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो जो हो जाएगा भाई, इसको देखो क्या हो सकता है। इसका संबंध अपने पैमाइश कर लो आज, मेजरमेंट जो भी करना है वो हो जाएगा। मुझे चाहिए कल परसों में। यहाँ से काट के ना हल्का सा, हाँ इधर को ना रिक्लाइन करके देख लो एक बार सीट को ना, पीछे डिग्गी से देखो, यहाँ से नहीं डिग्गी से चेक करो वहाँ से। भाई जो नॉइज आ रही ना वो बहुत बेकार सी, उसको हटाने के लिए ये चीज लगा रहे हैं। क्या चीज है भैया? ये नॉइज फिल्टर होता है। नॉइज फिल्टर होता है भाई, इन्हें वैसे टेस्ट करके देख लिया मैंने, आपको दिखाने के लिए ये दिखा रहा हूँ, और कोई समाधान नहीं है। ये लगता है, ये लगता है। क्यों आ रही है आवाज, क्यों आ रही है वो बताओ आप। थोड़ा हो जाता है, कभी कभी ये लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? ये क्या ये? अच्छा अच्छा, किसी किसी गाड़ी में हो जाता होगा, मतलब ये कहना चाह रहे हो आप। चलो ठीक है, तो भाई लगा दो। अच्छी भाई, एकदम नॉइज एकदम हट गई है, ये बात तो ठीक है। लगाओ तो आज का दिन भाई बहुत बढ़िया रहा, सारे काम हमने कर लिए जो सोचे थे। एक दो काम फिर भी रह गए, कोई बात नहीं, कुछ जो ऑफिस के काम थे जो भी थे वो कॉल पे हो गए, और एक दो ऑफिस में गए थे कर लिए वो। बाकी ये गाड़ी के बारे में बताते हैं, जो कि भाई पूरा दिन घूमते रहते हैं उसके बारे में। भाई जो लेमिनेशन वाला काम था हेडलाइट का, वो हो गया, बहुत बढ़िया लग रहा है। क्यों जी, बढ़िया लग रहा है एकदम? बढ़िया। और रात को तो और ज्यादा भाई, जो इसकी ना जो इसका थ्रो था ना लाइट का एलईडी का, बहुत ज्यादा तेज था, उससे बहुत ज्यादा रिलीफ मिल रहा है मुझे सच्ची में। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है। अभी हम कुछ खा रहे थे तो कोई बात नहीं। हेलो टिक्की। हाँ अब भाई वेज क्या, अब तो भाई नवरात्रों के दिन माता रानी के दिन आने वाले वैसे भी, और हमें तो वो बहुत सारे दिन हो गए मार्केट का कुछ इतना ज्यादा खाते नहीं, बट टिक्की खा लेते कोई बात नहीं। तो वे खाते हुए घूम रहे, वो एलिमिनेशन का उससे फायदा ये मिला, बहुत ज्यादा तेज जो उसका थ्रो था ना भाई, एकदम आगे मुझे भी नहीं दिखता था, इतना मतलब रिफ्लेक्शन होकर मेरे आंखों पे आता था वो चीज़। आज मुझे उसका कुछ थोड़ा सा फायदा मिल रहा है। और हाँ, गोल्डन कलर का जो कराया ना लोगो, उसका वो जैसा लगा आप बता देना। उसका दूसरा काम हमने कराया सीट का, भाई आज तो वो काम हो नहीं पाया। हाँ उसका सोल्यूशन मिल गया, पर हाँ वहाँ एक घंटा डेढ़ घंटा लगा हमें उसको डिस्कस करते 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 कि कर क्या सकते हैं। उसका उन्होंने बताया कि वो दोबारा उसको रिप्लेस करेंगे, उसको उतारेंगे दोबारा फैब्रिकेशन वाला, उसको कुछ डिजाइन करेगा क्या करेगा वो कल करेंगे। वो आज भी दोबारा भाई रात हो गई थी, बोले भैया आज तो हो नहीं सकता, हाँ आप छोड़ के चले जाओ फिर आ जाना, पर दोबारा ही आना तो साथ के साथ आएंगे कभी किसी दिन दोपहर में, और साथ के साथ करा भी लेंगे। उसका सोल्यूशन भी मिल गया है और बेस्ट सोल्यूशन है। क्यों जी, वो सही रहेगा जो हमने डिस्कस किया, वही सोल्यूशन बेस्ट है। दूसरा हम गए थे आज इसके एम्प वाले के उसके पास, उसका भी कर दिया भाई। तो तीनों चारों काम हो गए हैं, बहुत बढ़िया रहा भाई। अब यही है कि भाई इतने ज़्यादा मेहनत कर, रात के 8:05 हो गए हैं हम, बिल्कुल देखो कितना रश में खड़े हैं, बिल्कुल यहाँ पर ट्रैफिक है, तभी बात कर पा रहे हैं आपसे। तो सारे भाई सॉल्यूशन तो हो गए हैं जो जो काम के लिए आज निकले थे, और बाकी आपको कल दिखाएंगे जो इसका ना जो सीट वाला जो है, जब उसको डिजाइन करेंगे जो करेंगे, वो पॉसिबिलिटी कल की रहेगी परसों की रहेगी, जैसे वो क्योंकि कल एक जगह जाना है, हो सकता है इसमें जाएंगे दूसरी गाड़ी में जाएं जो भी होगा, और जैसे टाइम लगेगा तो बता देंगे बिल्कुल। पर है बहुत एक काम की चीज़ जो आज ना वो सीट वाला जो था भाई, आप लोगों के पास भी ऐसी गाड़ी है या आपको भी ऐसा भाई शौक है इस तरह से भाई बेड डिजाइन करना, उसका भाई गाड़ी में ही कैंपिंग करना वो करना, तो भाई इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो अभी तो चलते हैं घर पे, और तो आप रात को हाँ एक काम हो रहा है भाई, थोड़ा सा आपको लगेगा अभी कटिंग वटिंग करानी है, रात को किसी भाई सैलून वाले को बोलते हैं, फ़ोन करते हैं कि जानकार है और भाई अपना शॉप ओपन रखे जाएंगे, तो अब जाके एक काम और करा लें, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए फिर नवरात्रि आने वाले हैं ना भाई, ये काम तो भाई ऐसा कर लें जो कि कोई, फिर हम जा रहे हैं वैष्णो देवी, ये तो फाइनल हो चुका है, हम जाएंगे नवरात्रों में वैष्णो देवी, उसके बीच में कोई ट्रिप बन पाएगा तो देख लेंगे। ओ कितना तेज बाइक गई। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ड्राइव सेफ, भारत माता की जय।